हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज आपसे मैं करूंगा लेटर राइटिंग की। यूपी ट्रिपलसी ने जितने एग्जाम्स कराए हैं उसमें उसने सिलेबस के तौर पर यानी पाठ्यक्रम के तौर पर सबसे पहले पॉइंट के रूप में मेंशन किया है, तो वो पॉइंट है आपका लेटर राइटिंग यानी पत्र लेखन। पत्र लेखन मैं किस आधार पर आपको बताने जा रहा हूं, ये आपका पूरा आधार है यूपी ट्रिपलसी के ये सिलेबस के अनुसार। जो ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस इसका है, मंडी परिषद युवा विकास में जो इसने पॉइंट्स कमेंट किए थे, देखो यूपी ट्रिपल एससी दो तरीके के सिलेबस दिया है और दोनों तरीके के सिलेबस में उसने जो आपके 12th स्टैंडर्ड के पेपर हो रहे हैं यानी 12वीं पास के पेपर हो रहे हैं, एक दूसरा इसका स्टैंडर्ड है जो आपके ग्रेजुएट यानी आप अगर स्नातक हैं तो उस स्तर के जो पेपर हो रहे हैं, दोनों में अलग अलग सिलेबस होते हैं। आप जानते हैं लगातार एग्जाम्स हुए हैं, उनमें बहुत तरीके के आपको क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं अगर 12th स्टैंडर्ड के इसके जो पेपर हुए हैं उसमें हिंदी का इसने जो सिलेबस यानी पाठ्यक्रम घोषित किया है, हिंदी के पाठ्यक्रम में इसने लिखा है जो 12वीं स्तर के पेपर हुए हैं उनमें इसने लिखा है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन क्षमता। मैं कई परीक्षाओं के आधार पर ये चीजें आपको बता रहा हूं, इसलिए एकदम आप कॉन्फिडेंट रहे कि यहां जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो आपके सिलेबस के अनुरूप है और आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर फायदा देने जा रही है। हिंदी परिज्ञान एवं लेखन क्षमता यह 12वीं स्तर के पेपर में होता है। परिज्ञान एवं लेखन क्षमता, आप देखो हिंदी परिज्ञान क्या है, हिंदी परिज्ञान का मतलब है हिंदी व्याकरण और लेखन क्षमता का मतलब है कि पत्र लेखन क्षमता। लेखन क्षमता से उसका मतलब होता है कि पत्र लेखन, तो 12वीं स्तर के पेपर में वो पूछ रहा है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन क्षमता। जो दूसरा आपका आधार है जो आपके स्नातक स्तर का पेपर होता है, स्नातक स्तर के पेपर में वो लिखा है बाकायदा कि हिंदी के जितने भी आपके सिलेबस हैं, हिंदी का जितना पाठ्यक्रम है उसमें उसने 11 पॉइंट या 13 पॉइंट के रूप में मेंशन किया है। हर एक पॉइंट में जिक्र किया है कि मैं आपसे किन आधार पर सवाल पूछूंगा, और कोई भी पेपर जो 50 क्वेश्चंस के हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी 2019 में, उन पेपर्स को आप उठा लीजिए कम से कम 3 और अधिक से अधिक जितने वो पूछ ले यानी 5 भी मिले हैं, तो ये हिंदी परिज्ञान एवं लेखन क्षमता में या आपके ग्रेजुएट लेवल के जो पेपर हैं इस टॉपिक का कितना ज्यादा महत्वपूर्ण आप स्थित समझ सकते हैं है, उस बारे में मैं आपसे बहुत विधिवत चर्चा करने जा रहा हूं। और अगर इस लेक्चर को आपने पूरा सही से देख लिया तो आप 100% ये मान के चले कि आपको अन्य किताबों की ना तो जरूरत है ना अन्य आपको कोई जो है अन्य सहारा लेना पड़ेगा जिससे कि आपको यह मन में कोई भी ऐसी दुविधा हो कि अच्छा ये पॉइंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रेजुएट लेवल के जो आपके पेपर्स हो रहे हैं स्नातक स्तर के यूपी ट्रिपल एसवी, उससे पत्र लेखन से संबंधित उनने किन किन बिंदुओं को चुना, क्योंकि पत्र बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसने क्या लिखा है, शासकीय पत्र के बारे में आपको मालूम होना चाहिए यानी जो आपके गवर्नमेंट ऑर्डर होते हैं शासकीय पत्र के बारे में। दूसरा लिखा है उसने अर्ध शासकीय पत्र के बारे में, आपको मालूम होना चाहिए अर्ध शासकीय पत्र। तीसरा जो आपके सिलेबस में इसने लिख रखा है वो लिखा है वैयक्तिक पत्र। वैयक्तिक पत्र का मतलब होता है व्यक्तिगत पत्र, ठीक है, परेशान मत होइएगा, वैयक्तिक पत्र यानी आपके व्यक्तिगत पत्र जो होते हैं। तीसरा पॉइंट उसने क्या लिखा है, एक और तरीके का पत्र लिखा है व्यावसायिक पत्र, ठीक है, व्यावसायिक पत्र जो आपके होते हैं। इन चार पत्रों में क्या क्या संबोधन का इस्तेमाल होता है, इनसे संबंधित संबोधन, ना कि इसमें कैसे स्टार्टिंग होती, पत्र संख्या कहां लिखा जाता, तमाम फलाना दिखाना, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जैसे यूपी ट्रिपल एससी में हमारा क्वेश्चन सही होना और हमें अंक अर्जित करने हैं, क्योंकि मैंने जहां तक ये देखा है लोगों की उत्सुकता, जो लोग पेपर दे रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा उन्हें जो धोखा देने वाला एक पार्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कहीं ना कहीं पत्रों से संबंधित आ रहा है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है हिंदी में पत्र विशेषकर, क्योंकि ये है एक टॉपिक आपका स्नातक स्तर पर पत्र आपको मिलते हैं लिखने को लेकर के, अन्य तो ये यूपीपीएससी का पूरा सब्जेक्ट एक तरीके से पेपर है जिसमें आपको लेटर राइटिंग करनी पड़ती है जब आप आरओएआरओ यानी समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का पेपर देने जाते हैं, तो उसमें लेटर राइटिंग एक अनिवार्य पेपर के तौर पर शामिल है। दूसरी चीजें, चार पत्रों के इनके संबोधन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के पत्र में कैसा संबोधन हम इस्तेमाल करते हैं, और इन पत्रों के अलावा 3-4 पॉइंट्स उसने अन्य पत्रों के बारे में भी लिखे हैं, वो उनसे संबंधित भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगला पॉइंट उसने क्या लिखा है, कार्यालय आदेश के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए कि ऑफिस ऑर्डर होता क्या है, कार्यालय आदेश। अगली चीज उसने लिख रखा है, छठा पॉइंट जो है आपको कहा है कि परिपत्र के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं सर्कुलर,
ठीक है, सुनता नहीं, विभाग में सर्कुलर आया, सर्कुलर, और उसके बाद उसने सातवें पॉइंट के रूप में जो जिक्र किया है, मतलब उसने तो कामा लगा के लिखा है, लेकिन मैं सात पॉइंट्स के तौर पर आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं। सातवां पॉइंट उसने लिखा है अधिसूचना, ठीक है, अधिसूचना उसने लिख रखा है। सूचनाएं भी बहुत तरीके की होती हैं, सूचना होती है आपकी, नोटिस होती है, अधिसूचना होती है, ठीक है, बहुत तरीके के इसमें आते हैं, स्मरण पत्र भी आते हैं। ये आपके यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस है, दिमाग में सबसे पहले फिट कर लो कि यूपी ट्रिपल एससी किनसे संबंधित सवाल पूछने जा रहा है। अब मैं आपसे शुरुआत करता हूं बिंदुवार, कि एक एक पॉइंट मैं उठाऊंगा और इन्हीं के आसपास से संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं पर मेरा आधारित ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर करूंगा। सबसे पहले मैं देख रहा हूं, शुरुआत हम कहां से करते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी आपके लेटर राइटिंग को पूछ रहा है, यानी पत्र लेखन को पूछ रहा है। कोई भी हालांकि इससे अछूता नहीं है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो, चाहे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, आपको लेटर राइटिंग, चाहे आप प्राइवेट जॉब में कर रहे हैं, यानी पढ़ाई अगर की है, तो आप कक्षा 10 से पहले का याद करें, कक्षा 10 का याद करें, आपको कभी ना कभी बुखार आता है, कभी ना कभी कुछ ऐसी जरूरतें पड़ती हैं, पुस्तकालय से किताबें निकलवानी है, तो उसके लिए कई तरीके के लेटर समय लिखने पड़ते हैं, तो उसकी हैबिट हमारी है, मतलब आप रूबरू हैं उन चीजों से। बाकी तो मैं आपको बता रहा हूं कि विशेष चीजें इनमें क्या क्या आई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पत्र लेखन में, सबसे पहले चीज आखिर लेटर है क्या, पत्र आपका है क्या, सबसे पहला मुद्दा तो ये जानिए। देखिए, पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम अपने विचारों का आदान प्रदान, यानी हमारे मनोभाव के अंदर जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, इस माध्यम के द्वारा जिस व्यक्ति के लिए उत्पन्न होते हैं उस तक हम अपनी उन बातों को पहुंचाते हैं। पत्र की बहुत सामान्य सी परिभाषा हो गई, यानी विचारों को आदान प्रदान करने का एक ऐसा माध्यम जिसका एक निश्चित प्रारूप होता है और जिसमें एक निश्चित शैली, और आपकी क्या कह सकते हैं कि तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं, एक उद्देश्य होना। पत्र का सबसे प्राथमिक स्तर आता है कि पत्र इसलिए लिखे जाते हैं जिसका कोई उद्देश्य हो। आप ऐसा तो है नहीं कि बिना उद्देश्य के किसी को फोन मिला दी और 24 घंटे बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है, एक उद्देश्य होता है उससे बात करने का। तो अपनी बातों को, ठीक है, जा कबूतर जा वाली चीजें हैं कि पहले चिट्ठियों का कितना इस्तेमाल होता था, खासकर वैयक्तिक पत्र जो आपके होते हैं व्यक्तिगत, यानी प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच चलने वाले पत्र जिनको हम व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो उनमें से आपने बहुत सारे 60 के दशक की मूवीज देखी होंगी, वो गाने याद होंगे। तो पत्र की परिभाषा मैंने क्लियर कर दी, पत्र क्या है जिनसे हम अपने मनोभावों का एक से, यानी जिसके लिए हमारे मनोभाव अंदर उठे, ठीक है, जिसके लिए अनुराग हमारे मन में, उस मनोभाव को हम लिख करके दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसकी शैली स्पष्ट होती है, सहजता होती है, शिष्टाचार होता है, प्रारूप होता है, ये तमाम बातें उसमें आती हैं। और उसका एक सबसे बड़ा चीज है कि उसका एक फिगर होता है। फिगर मतलब, या फिगर ना कहकर के हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसका एक ड्राफ्ट होता है। उस ड्राफ्ट की क्राइटेरिया अलग अलग, जो क्राइटेरिया है पत्रों की, वो ड्राफ्ट अलग अलग होता है, यानी उसका प्रारूप अलग अलग होता है कि कैसा पत्र है, क्या प्रारूप होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि अपने दोस्त से जैसा आप बात करते हैं वैसा किसी कार्यालय में जाए, या मान लो स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, स्कूल में कोई काम आपका लग गया तो प्रिंसिपल से वैसे लिखना कि अच्छा सुन यार मेरा ये काम कर दो, ऐसा तो लिख नहीं सकते। पत्र के लिए हमें शैली थोड़ा सा बदलना पड़ता है, जिस अनुसार पत्र लिखना हो, जिसको पत्र लिखना हो, हम उसी अनुसार भाषा, उसी अनुसार सहजता, उसी अनुसार शिष्टाचार, उसी अनुसार प्रारूप, ऐसी तमाम बातों को उस पत्र में शामिल करते हैं। तो एक चीज आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गई होगी कि पत्र आखिर कहां कहां से, मैंने जितने आपको वर्ड्स बोल दिए हैं इन वर्ड्स से भी सवाल पूछे गए हैं, जिम्मेदारी आपकी कि कैसे कैसे आप उसको पचाते हैं धीरे धीरे अपने अंदर। दूसरी चीज, पत्र की बात तो हो गई, अब पत्र मैंने बताया कि कुछ तो अपने पर्सनल व्यवहार पर आपने लिख लिए, सगे संबंध, दादा काका फूफा, ठीक है, नाना मामा, कुछ आपके क्या हो गए व्यक्तिगत हो गए, जो प्राइवेट आप रखते हैं कि ये मेरा मामला प्राइवेट है, ठीक है, तो उसमें आपके पत्र होते हैं उनको व्यक्तिगत, जैसे आप किसी मित्र को पत्र लिख रहे हैं, हालांकि सगे संबंधी भी ये सब व्यक्तिगत पत्रों के ही अंतर्गत आते हैं क्योंकि आपका पर्सनल उनसे रिलेशन होता है, ऐसे तमाम तरीके होते हैं। देखिए, पत्र के अगर हम देखें क्या क्या प्रारूप आपको देखने को मिलते हैं, तो पत्र के प्रारूप जो आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं, कुछ पत्र आपके
संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं जिनमें आप दादा नाना इन सबको लिखते हैं, संबंधियों को लिखे जाने वाले, ठीक है, जाने वाले। कुछ आपके व्यवसायिक पत्र होते हैं, यानी व्यवसाय संबंधित कोई भी बात करनी है तो वो पत्र व्यवसायिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। मान लीजिए एक डीलर है, वो दूसरे डीलर से बात करेगा, मुझे इतने पब्लिक आपके पब्लिकेशन की इतनी किताबें, ये फला फला विषयों की, ये सब जो पत्र व्यवहार होते हैं आपके व्यापारिक पत्र कहलाते हैं। अन्य पत्र के अगर हम जो है प्रकार देखें तो इसमें शासकीय पत्र आते हैं। शासकीय पत्र दो तरीके का, एक शासकीय होता है, एक आपका अर्ध शासकीय होता है। इसको हम सरकारी पत्र की भी संज्ञा देते हैं। आपके जो लेटर्स होते हैं इनके दो प्रकार बन जाते हैं, एक आपका बन जाता है शासकीय जो शासन से चलता है, एक आपका होता है अर्ध शासकीय। इसमें भी तमाम अलग अलग हैं, ये पॉइंट्स मैं आपके आगे क्लियर करूंगा। कुछ और तरीके के आपके पत्र होते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। एक आप व्यक्तिगत की श्रेणी में भी डाल सकते हैं कि व्यक्तिगत की श्रेणी में अगर मैं डालूं तो इसमें आपके कौन कौन से आते हैं। आप मित्र को पत्र लिख रहे हैं या प्रेमी को अपने पत्र लिख रहे हैं या प्रेमिका को पत्र लिख रहे हैं, तो ये आपके सब लगभग किसमें, व्यक्तिगत पत्रों में ले जाते हैं। हालांकि व्यक्तिगत पत्रों में आप संबंधियों को लिखें, यानी एक तरीके से जो संबंधियों को लिखे जाते हैं या आप अपने भाई बहनों को, छोटे भाई बहन है उनको लिखते हैं, यानी जो आपके रिलेशन में है, जिनसे आपके ब्लड का रिलेशन है, पत्र लिखते हैं, तो वो भी आपके व्यक्तिगत पत्रों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संबंध का मतलब ऐसा नहीं कि जिनसे आपका ब्लड का रिलेशन, इसी में व्यवसायिक पत्र ये सब कोई मायना ही नहीं रहा, उसमें अलग अलग चीजें होती। तो ये सब जो पत्र कैटेगराइज किए जाते हैं ये किन आधारों पर किए जाते हैं, इन आधारों को लेकर के पत्र के 8 भाग बनाए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पत्र के कितने भाग होते हैं, 8। ये किसी भी पत्र में मौजूद होते हैं। आपसे इससे क्वेश्चन भी पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्र का भाग नहीं है। पहला पॉइंट अब जो हम इसका डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है कि पत्र के आखिर भाग कौन कौन से होते हैं। देखिए पत्र के भाग कितने होते हैं, 8 मैंने बताया। क्या क्या होते हैं उनको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, पत्र के अब हम भाग देखते हैं, भाग में क्या क्या आते हैं उनको मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला, पत्र कोई भी लिखा जाए तो प्राथमिक उसका जो अंग है, ठीक है, या भाग है, इसको अंग के तौर पर लिखें या तत्व के, तत्व या अंग, क्या क्या होना चाहिए, यानी कोई भी पत्र है तो उसमें किन किन तत्वों का वर्णन होना चाहिए उनके बारे में। सबसे पहला, अगर कोई पत्र लिखा जा रहा है तो उस पत्र का उद्देश्य होना चाहिए, यह पत्र का प्राथमिक तत्व है या प्राथमिक है। ठीक है, अगर आपसे सवाल ऐसा पूछता है कि पत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, प्राथमिक अंग क्या है, तो वह अंग है आपका उद्देश्य। दूसरी चीज, पत्र में एक शैली होनी चाहिए, विशिष्ट शैली। ठीक है, पत्र में जिस तरीके से आप लिख रहे हैं, जिसको लिख रहे हैं, उसमें शैली होनी चाहिए, एक अच्छी शैली में पत्र लिखा जाना चाहिए। तो उस अनुरूप छोटे भाई बहनों को लिख रहे हैं, संबंधियों को लिख रहे हैं, तो उस अनुरूप उसमें शिष्टाचार होना चाहिए पत्र में। चौथी चीज, जो आप पत्र लिखें वो एकदम क्या होना चाहिए, सहज होना चाहिए कि पढ़ने वाला व्यक्ति समझ सके कि भैया आप अपने मनोभाव को क्या कह रहे हैं, ना पूछे कि भैया आपने लिखा क्या था, जवाब देने के लिए। ठीक है, तो पत्र में सहजता होनी चाहिए। अगला जो पत्र का अंग माना जाता है, तत्व माना जाता है, ये आपका आता है संक्षिप्तता। यानी कोई पत्र लिख रहे हो तो उस पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी इतना बड़ा आप ना लिख दीजिए कि पढ़ने वाला आधा पढ़ने के बाद बेहोश। ठीक है, पत्र वो बेटर है आपका कि जिसमें आप गागर में सागर भर दो, मतलब छोटी सी चीज लिखो और उसका अर्थ बहुत बड़ा हो, तो ऐसे पत्रों को बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगली चीज, इसका अगला जो तत्व होता है, पत्र का एक निश्चित प्रारूप होता है। ठीक है, हर एक अलग अलग आप पत्र लिखते हैं तो उसका एक ड्राफ्ट अलग अलग होता है, यानी हर पत्रों के लिए हम अलग अलग ड्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगली चीज है कि पत्र जो आपका लिखा जाता है इसमें व्याकरण का बहुत अहम रोल है। पता चला आपने पत्र लिख दिया और आधे से ज्यादा आपने किसी में वर्तनी अशुद्धि कर दी, किसी में अन्य गलतियां की, तो व्याकरण का इस्तेमाल, व्याकरण का ध्यान रखना पत्र का एक बहुत अस्थाई अंग है। यानी पत्र के लिए ये सारे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, ये पत्र के अंग के तौर पर आपके गिने जाते हैं। इनमें मैंने 7 तरीके के हैं। एक आपका जो लास्ट वाला पत्र में बसता है, जैसे उद्देश्य हो गया, शैली हो गया, शिष्टाचार हो गया, सहजता हो गया, संक्षिप्तता हो गया, प्रारूप हो गया,
हो गया, और सबसे लास्ट वाला जो हम इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो पत्र के अंग के तौर पर वो चीजें आती हैं आपकी कि पत्र जो कुछ लिखा जाए, ठीक है। अब लिखने में मैंने अभी एक चीज जिक्र की थी कि कम से कम जिस शैली में लिखो, और अगली चीज जैसे सहजता होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ पत्र में आपका मतलब जो एक मुख्य रूप से अंग है ये भी है कि पत्र आपका सुलेख होना चाहिए, यानी सुंदर लिखा होना चाहिए। ऐसा आप ना लिख दें कि पढ़ने वाला डॉक्टर की लैंग्वेज को समझे, ठीक है। पत्र आप लिखें तो पत्र सुलेख हो, यानी सुंदर लिखा हो, स्पष्ट अक्षरों में लिखा हो कि आपकी बातों को पढ़कर समझ सके। ऐसे शब्द आप उसमें ना लिख दें कि वो बेचारा समझ ही नहीं पाए कि आपने लिखा क्या है। तो ये पत्र के आठ तत्व या आठ अंग माने जाते हैं। किसी भी पत्र में ये आठों के आठों मौजूद होते हैं। इसको बहुत ध्यान से दिमाग में बनाइएगा, वो कौन कौन से हैं। पहला तो उद्देश्य, ये आपका प्राथमिक तत्व है, ठीक है। उद्देश्य प्राथमिक तत्व है। शैली होनी चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, सहजता होना चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, प्रारूप होना चाहिए, व्याकरण होना चाहिए, सुलेख होना चाहिए। ये इतने चीजें पत्र के लिए बहुत जरूरी होती हैं। अब अगली चीज आती है कि ये तो तत्व हो गए या इसके अंग हो गए, इन अंगों को कैसे कैसे लिखते हैं पत्र में। तो इस आधार पर पत्र के तीन भाग बनाए जाते हैं। सबसे ऊपर आपका हो गया, फिर बीच का हो गया, फिर नीचे का हो गया। तो पत्र के तीन भाग होते हैं। अगला हमारा पॉइंट जो है इसी चीज को पढ़ने का है कि पत्र के भाग क्या होते हैं। हमने पत्र के तत्वों को या पत्र के अंगों को पढ़ लिया है कि किसी भी पत्र में क्या क्या शामिल होते हैं। अगर पत्र के भाग की बात करूं तो पत्र के तीन भाग होते हैं मुख्य रूप से। एक आपका आता है प्राथमिक भाग, ठीक है। एक होता है आपका प्राथमिक भाग जहां से शुरुआत होती है, दूसरा आपका होता है मध्य भाग, और तीसरा आपका आता है अंतिम भाग, यानी जो सबसे अंत में आप तमाम चीजों को लिखते हैं। तो पत्र के तीन भाग होते हैं जिनके माध्यम से, जिनका हम उपयोग करते हुए अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जो आपका प्राथमिक भाग है, प्राथमिक भाग में अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अभिवादन लिखते हैं। जो कोई है जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं उस अनुरूप आप अभिवादन लिखेंगे, ठीक है। समय लिखेंगे, समय नहीं सॉरी पत्र संख्या इसी में आती है। उसके बाद दिनांक हो गया आपका, तिथि लिखना है, ठीक है। स्थान लिखना है, पदनाम लिखना है, ये सब इसी में जो है लिखे जाते हैं। सारे की सारी चीजें ये सब कुछ किस में आती है, प्राथमिक भाग में आती है। मध्य भाग जो आपका होता है कि पत्र का जो आपका मध्य भाग है, इस मध्य भाग में हम क्या लिखते हैं। तो जब सब कुछ मैंने लिख दिया, अब मध्य भाग में हम शुरुआत करते हैं उद्देश्य लिखना कि पत्र लिखने का आपका उद्देश्य क्या है। मेरा आपको पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्यों को हम लिखते हैं मध्य भाग में। वही अन्य पॉइंट्स के रूप में देखें कि जैसे उद्देश्य तो हमने लिख दिया, ठीक है। उद्देश्य के साथ ही साथ कुछ अन्य तथ्य भी होते हैं, उन तथ्यों को भी हम इसी में उजागर कर देते हैं। अन्य तथ्यों को जो वर्णन किया जाता है, यह आपका मध्य भाग का कार्य है, समझे। मध्य भाग में अन्य तथ्यों को भी हम वर्णित कर देते हैं, इसके साथ साथ भाई इस उद्देश्य के लिए पत्र लिख रहा हूं तो इनमें ये चीजें रही हैं, इसके ऐसे ऐसे तथ्य रहे हैं। और सबसे अंतिम जो आपका बनता है, यानी अंतिम भाग, सबसे नीचे जब आते हैं तो क्या क्या लिखते हैं। प्रेषक का विवरण होता है, सबसे नीचे आपका प्रेषक का विवरण होगा। हालांकि ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। जिस तरीके के पत्र होते हैं वहां पर ऐसे ऐसे पोर्शंस आपके आते हैं। दूसरी चीज इसमें अगर देखें कि जैसे अंतिम भाग में आप और क्या करते हैं, प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो कोई भी बात के लिखा लिए लिखा, चाहे शुल्क माफी है तो नीचे हम धन्यवाद, या और कोई आपका अनुज है तो उसके लिए मंगल कामना, शुभ कामना, ये तमाम चीजें लिखते हैं। तो ये पत्र के अंतिम भाग के अंतर्गत आता है। अब मैंने जितनी चीजें आपको बताई, जितने टाइप के पत्र आपको उदाहरण के तौर पर मैंने बताया, पत्र के तत्वों को मैंने बताया, पत्र के भाग को बताया, इन सभी को समाहित अगर आप कर लो, ठीक है, पत्र के जो तत्व हैं इन सारी चीजों को समाहित कर लो, पत्र के भाग को अगर आप समाहित कर लो, तो पत्र अब क्या बनता है, दो प्रकार का बनता है। पत्र के अगर हम प्रकार की बात करें तो पत्र का प्रकार बनता है दो। कौन कौन से? एक होता है आपका औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। यानी अगला पॉइंट हम देखते हैं कि पत्र के आपके भाग कितने होते हैं। यह तो पत्र के आपका मुख्य भाग हुआ, यानी पत्र के अंदर। पत्र के अब हम प्रकार देखते हैं कि कितने प्रकार के पत्र माने जाते हैं।
तो पत्र के मेनली दो प्रकार होते हैं। पहला आपका आता है, इसमें अगर प्रकार की बात करें कि कितने कैटेगरिया में क्राइटेरिया में इसको विभाजित किया जाता है, वर्गीकृत, तो पहला आपका आता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र नाम से ही आप स्पष्ट हो जाएंगे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉर्मल लेटर्स, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल लेटर्स, यानी ऐसे पत्र आप लिखते हैं जहां की भाषा बड़ी औपचारिक होती है, यानी दिल से लगाव नहीं है, उस व्यक्ति को जानते नहीं। अब किसी व्यक्ति को आप जानते नहीं है तो उस व्यक्ति के साथ ये थोड़ी है कि आप उसको घर बुला ले जाएंगे, खाना खिलाएंगे, उसके साथ हाँ हेलो, हाय हेलो हो गया, काम खत्म, तो वो औपचारिकता होती है। अच्छा, कोई मिल गया तो उससे हम बोल भी दिए, बातचीत भी हो गई और विशेष लगाव नहीं रहा। तो इस टाइप के जो लेटर्स में भाषा इस्तेमाल होती है, या ऐसे व्यक्ति को जो हम पत्र लिखते हैं, जिस व्यक्ति को हम जानते तक नहीं है और उस व्यक्ति को हमने पत्र के माध्यम से अपनी समस्या या अपने कारण या कोई भी चीजें ऐसी हैं जिनको लिखा गया, तो वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, दूसरा जो इसका प्रकार होता है, यह होता है अनौपचारिक पत्र, यानी जिनमें औपचारिकता ना दिखानी पड़े, अनौपचारिक पत्र, यानी अपने मनोभाव में जो कुछ आपके आ रहा है कि मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो जितना कुछ पूछना था सब कुछ पूछ लिए, हम ये नहीं देखें कि किसको लिख रहे हैं, यानी जिस व्यक्ति को लिख रहे हैं इसमें अधिकतर वो व्यक्ति आते हैं जो आपके संबंधी है, संबंधी पत्र होता है, ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। अब मित्र को आप पत्र लिखेंगे, प्रेमी को लिखेंगे या प्रेमिका को पत्र लिखेंगे, किसी संबंधी को पत्र लिखेंगे, तो मन में जो कुछ विचार चल रहे हैं वो सब कुछ हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें भी जो पत्र के तत्व होते हैं उनका हम ध्यान रखते हैं कि शैली हमारी स्पष्ट हो, हर एक चीजें हो, सहजता हो, लेकिन पत्र के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, पहला होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र को इंग्लिश में फॉर्मल लेटर्स कहते हैं, अनौपचारिक को इंग्लिश में आपका इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। अब मैं बात करूंगा कि औपचारिक पत्रों के अंतर्गत कितने टाइप के कौन कौन से पत्र आते हैं, अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आपके कौन कौन से आते हैं, तो एक बार चलिए शुरुआत करते हैं कि औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से हैं और अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से हैं। सबसे पहली चीज है औपचारिक पत्र, ठीक है। दूसरा इधर मैं लिख रहा हूं अनौपचारिक पत्र, दूसरा आपका हो गया अनौपचारिक। दूसरों में इसमें इंग्लिश में मैंने आपको बताया कि औपचारिक जो पत्र होते हैं इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर्स, जो आपके फॉर्मल लेटर्स होते हैं इनको हिंदी में औपचारिक पत्र कहा जाता है, और जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं इनको हिंदी में आपका क्या बोला जाता है, हिंदी में इनको बोलते हैं अनौपचारिक पत्र, ठीक है। दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई, औपचारिक पत्र होते क्या है, अनौपचारिक पत्र होते क्या है। अब इनके अंतर्गत आने वाले जो आपके पत्र हैं कि औपचारिक पत्रों में किन किन पत्रों को लिखा जाता है, यानी कौन कौन से पत्रों की श्रेणी ऐसी है जो अनौपचारिक पत्रों में आती है, और कौन कौन से तत्वों की श्रेणी आपकी ऐसी है पत्रों की जो अनौपचारिक में आती है, तो एक बार एक एक करके हम देखते चलते हैं कि अनौपचारिक में आने वाले कौन कौन से हैं और आपके औपचारिक में आने वाले पत्र कौन कौन से हैं। अब फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आने वाले जो आपके तरह तरह के पत्र हैं और इनफॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आने वाले जो पत्र होते हैं, चूंकि एग्जाम से कई वीडियो का पेपर आप देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि दिया गया कौन सा जो पत्र है ये किसके अंतर्गत आता है, इसीलिए मैं इसकी अलग अलग जो वर्गीकृत श्रेणियां हैं इनको अंतर्गत आने वाले पत्रों को आपको एक बार बता रहा हूं। जो आपके फॉर्मल लेटर्स होते हैं, फॉर्मल लेटर्स में जो आप स्कूल में लिखते थे, आपको ध्यान होगा कि प्रधानाचार्य से हम छुट्टी मांगते थे और छुट्टी मांगने के लिए हम प्रार्थना पत्र लिखते थे, या लाइब्रेरी से कोई किताब इशू करवानी है तो उसके लिए पत्र लिखते थे, या अन्य आपकी कोई ऐसी होती है, तमाम चीजें होती हैं, डीएम से संबंधित अगर आपको कोई पत्र लिखना है तो आप प्रार्थना पत्र देते हैं डीएम को कि फला फला मेरी समस्या है, इस पर इसका जो है आप निदान करिए। दूसरा जो पत्र इसके अंतर्गत आता है शिकायत पत्र, यानी आपकी कोई समस्या है और आप उस समस्या से, या आप कई जगह पर जाते हैं जहां पर लिखा रहता है कि सुझाव या शिकायत है तो अपना जो है पत्र डालें, बस और वगैरह में आप सफर करते हैं, छोटी सी
शिकायत या सुझाव के लिए पत्र डाल सकते हैं, या अन्य आप कई ऐसे जगहों पर जाते हैं जो सरकारी दफ्तर होते हैं, वहां शिकायत या सुझाव पेटिका लगी होती है वो पत्र डालने के लिए होती है। तो दूसरे तरीके का जो आपका पत्र होता है यह शिकायत पत्र होता है, यानी यह औपचारिक पत्रों का एक प्रकार है। तीसरा आता है संपादकीय, कोई आपका पत्र प्रकाशित हो रहा, पत्रिका प्रकाशित हो रही, किताब इशू हो रहा या समाचार पत्र इशू हो रहा, यानी जहां से यह छपता है और उसका जो संपादक है, अगर वो संपादक से आप कोई पत्राचार कर से बातचीत करते हैं तो ऐसे पत्र को संपादकीय पत्र कहा जाता है, और संपादकीय पत्र आपका औपचारिक पत्रों का एक अंग है, प्रकार है। अगला आता है आवेदन पत्र, किसी नौकरी के लिए आपने आवेदन किया, वो नौकरी कहां पर है, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस की है चाहे प्राइवेट ऑफिस की है, लेकिन अगर आपने आवेदन किया है तो वो दोनों गवर्नमेंट प्राइवेट देखकर हम दिमाग नहीं लगाएंगे, वो दोनों के दोनों जो आपके आपके आवेदन होंगे वो सब के सब फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आएंगे, औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रकार होता है व्यावसायिक पत्र, बिजनेस के लिए, ठीक है, व्यवसाय के लिए एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के बीच में जो वार्तालाप होती है जिसका माध्यम एक पत्र होता है, ऐसे पत्रों को व्यावसायिक पत्र कहते हैं। व्यावसायिक पत्र औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रकार है तार, कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तार, तार को आज भी आप उपयोग कर रहे हैं, आप तार के माध्यम से, हालांकि वो तार दूसरा था लेकिन आज दूसरा है, टेलीग्राम यूज करते सारे लोग, हमारा भी चैनल टेलीग्राम तार बोलते हैं, ठीक है, चैनल हमारा टेलीग्राम पर है, उसको आप ज्वाइन करिए, उसमें बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जो आपका तार होता है, तार भी क्या है, औपचारिक पत्र का एक माध्यम है, क्योंकि इसमें इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेलीग्राम। तो आज से दिमाग में बना लीजिएगा कि जो टेलीग्राम यूज करते हैं वो माध्यम क्या है, तार है, ये आपका ऑफिशियल या एक तरीके से औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। अगला, यहां पर मैंने कुछ विशेष को लिखा है क्योंकि ये सारे जो आपके पत्र हैं ये यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के आपके सिलेबस के अंतर्गत हैं, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का जो आपका पेपर होना है इस पेपर में इनसे संबंधित सवाल इतने से पूछा जाता है। अगला प्रकार है शासकीय पत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर, सरकार, ठीक है, सरकार जिन शासनादेशों को जारी करती है, चाहे आदेश है चाहे निर्णय है चाहे कुछ भी है, ठीक है, ऐसे सारे पत्र शासकीय पत्र कहते हैं। दूसरा आपका प्रकार है अर्धशासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र भी आपके औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं, इसमें भी कई ऐसे रीजंस होते हैं, हालांकि इनमें और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मैं बताऊंगा अगले टॉपिक में आपका, जो इसके बाद में अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं। कार्यालयी आदेश से संबंधित आपको जानकारी रखनी है, क्यों, क्योंकि उसमें लिखा है बाकायदा, इसी में आपका कुछ और आता है, हाँ, वैयक्तिक पत्र भी इसी में आते हैं, वो चीजें मैं अभी बताता हूं कि वहां वो कौन कौन से है। कार्यालय आदेश से संबंधित आपसे सवाल पूछेगा वो, अधिसूचना के बारे में, यानी नोटिफिकेशन क्या होता है, देखो नोटिस दूसरी होती है नोटिफिकेशन दूसरा होता है, दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है, अधिसूचना को इंग्लिश में बोलते हैं नोटिफिकेशन, कार्यालय आदेश को बोलते हैं ऑफिस ऑर्डर, और सबसे लास्ट का मैंने लिखा है परिपत्र, परिपत्र का अर्थ होता है सर्कुलर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सर्कुलर, ठीक है, सुनते नहीं कि विभाग में सर्कुलर से संबंधित, वेतन से संबंधित, ठीक है, ये सारी चीजें, या किसी को इंफॉर्मेशन एक साथ विभाग में देनी है तो वहां सर्कुलर निकाल दिया जाता है, सारे लोग जान जाते हैं। दूसरा प्रकार आपका होता है पत्रों का, यह होता है अनौपचारिक पत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स में पहले ही मैंने परिभाषा में इसकी बताया था कि इनफॉर्मल लेटर्स अधिकतर आपके क्या होते हैं, संबंधियों को लिखे जाने वाले होते हैं, इनमें या भाषा का उपयोग बहुत ज्यादा कठोर नहीं होती है, भाषा इसमें सहज होती है, यानी मनोभावों को व्यक्त कर देते हैं, हालांकि इसमें जो भाषा होती है थोड़ी जो है आपकी कठोर भाषा होती है, यानी एकदम स्पष्ट स्ट्रिक्ट वाली भाषा, क्योंकि हम ऑफिस में बात कर रहे हैं दूसरे से, अधिकारी अधिकारी के मध्य वार्तालाप हो रहा, व्यवसायी व्यवसायी के मध्य वार्तालाप हो रहा है, तो ये तमाम जो आपके होते हैं इनमें भाषा दूसरी होती है, इसमें भाषा दूसरी होती है। इन सारे पत्रों को वैयक्तिक पत्र भी हम कहते हैं, वैयक्तिक आपके पत्रों के अंतर्गत भी डाला जाता है, हालांकि वैयक्तिक पत्रों में आपके आप इसको भी डाल सकते हैं एक तरीके से, शिकायत पत्र हो गई तो इनको भी आप कर सकते हैं, लेकिन वैयक्तिक पत्रों के अंतर्गत इतने को ही माना जाता है, ठीक है। तो जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो सारे वैयक्तिक पत्र कहलाते हैं। तो आपका एक पॉइंट ये, और दूसरा इतना जो उसमें आपसे पूछेगा यूपी ट्रिपल एससी, इन सारे के बारे में अब हम चर्चा शुरू करते हैं। एक बार आपने स्पष्ट रूप से देख लिया कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं थोड़ा सा और चीजें इसके बारे में, अनौपचारिक और औपचारिक के बारे में। कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि औपचारिक पत्र जैसे इतने प्रकार के आपने देखे,
तो इन पत्रों में आखिर औपचारिक अनौपचारिक है, तो मैंने बताया कि ये सब जो आधार बनाया गया, ये आधार आपके तत्वों के जो 8 अंग मैंने बताए थे अभी, ठीक है, थोड़ी देर पहले, उन 8 अंगों का वो आधार मानकर ऐसा किया जाता है। ठीक है, जो पत्र के मैंने आपको 3 भाग बताए, तीनों भागों में जो वर्णन किया जाता है, जो लिखा जाता है, उनको भी आधार माना जाता है। इनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। सबसे पहले अब एक एक डिफरेंस को लेकर हम चलते हैं। पहला इधर मैं लिख दे रहा हूं औपचारिक पत्र, ठीक है, दूसरा मैं लिख रहा हूं इधर अनौपचारिक पत्र। इन दोनों में आखिर क्यों इनको औपचारिक और दूसरे को अनौपचारिक बोला जाता है, क्या इसकी राइटिंग में अंतर होता है, इन तमाम आपकी जो एक तरीके से जिज्ञासाएं हैं, इस पर थोड़ी देर हम बात करते हैं। उसके बाद मैं आपको जो आपके सिलेबस में है वो पॉइंट्स बताऊंगा। इतना डिटेल में इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि इसके बाद लेटर आपको पढ़ने की जरूरत ना लगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट्स मैं शुरुआत कर रहा हूं औपचारिक और अनौपचारिक को लेकर के। अब इसमें देखते हैं कि आपका औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, क्या क्या तरीके उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, और दूसरा अनौपचारिक पत्र कैसे कैसे उसमें क्या क्या चीजें हम शुरुआत से लेकर अंत तक लिखते हैं। मैंने एक साथ इसलिए लिख दिया है ताकि आप समय अल्प समय में ही सारी चीजों को सीख जाएं। पहला जैसे पॉइंट है, जब औपचारिक पत्र होगा इसकी शुरुआत हमेशा बाईं ओर से की जाती है, वही चीज अनौपचारिक पत्रों में, इसमें शुरुआत जो करते हैं ये लिखने वाले पता और तारीख सबसे दाईं ओर से करते हैं, जो अनौपचारिक पत्र होता है इसमें सबसे पहले, उसके बाद आपका क्या लिखते हैं सेवा में, और इसमें बाईं ओर सबसे पहले क्या लिखते हैं उसके पत्र पाने वाले का संबोधन, और वो संबोधन अनौपचारिक पत्रों में आपका व्यक्तिगत संबोधन होता है। ठीक है, कि आप जो व्यक्तिगत किसी को बुलाते हैं भी लिख सकते हैं, ये सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। उसके बाद अधिकारी का जो है पदनाम लिखा जाता है, जिस अधिकारी को लिखा गया उसका पदनाम लिखेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें अभिवादन हम लिखते हैं। ठीक है, सॉरी, अभिवादन के तौर पर प्रणाम लिखते हैं या स्नेह लिखते हैं, छोटा भाई बहन कोई है, नमस्कार भी मित्र होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, नमस्कार लिखते हैं। यहां किसी मित्र को लिख रहे तो उसको हम नमस्कार लिख देते हैं, तो अभिवादन के तौर पर इसमें प्रणाम यूज किया जाता है, या स्नेह यूज किया जाता है, या फिर नमस्कार का हम प्रयोग करते हैं इसमें जो होता है। आगे संबोधन के लिए महोदय का इस्तेमाल हम करते हैं आपके औपचारिक पत्रों में, कि महोदय आपसे निवेदन है, ये सारी चीजें। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो है शुरू करते आपका या आपकी या तुम्हारा या तुम्हारी, ये सारी चीजों से। अन्य इसमें चीजें देखें, इसमें अंत के रूप में जो शिष्टाचार के अगर हमें दिखाना है तो उसमें क्या लिखते हैं, धन्यवाद सहित लिखते हैं या फिर सा धन्यवाद लिखते हैं। ठीक है, और फिर सबसे अंतिम में स्वनिर्देश देते हैं, कि स्वनिर्देश को जिक्र करने का तरीका है भौदीय लिखते हैं या फिर प्रार्थी लिख देते हैं या फिर विनीत लिख देते हैं। ये होता है औपचारिक पत्रों में आपकी मुख्य बातें। अनौपचारिक पत्रों में जो अंतिम होता है, ठीक है, अगर वो आपका अंत में कोई व्यक्तिगत आपका है, मित्र वगैरह है, तो उसके लिए तो हम ये सब लिखते हैं, आपका या आपकी या तुम्हारा या तुम्हारी। लेकिन अगर सरकारी पत्र आप किसी मित्र के बीच में पत्राचार कर रहे हैं तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, भौदीय शब्द का इस्तेमाल होता है। अन्य जगहों पर भौदीय शब्द आप इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर सरकारी पत्र है तो उसमें भौदीय शब्द का इस्तेमाल होगा। अभी एक क्वेश्चन इससे पूछा था, संबोधन से अभी आया था आपके जूनियर असिस्टेंट में, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने उसको आपको बताया भी था इससे पूर्व वाले उसमें लेक्चर में, कि उसमें क्या कैसे होगा। तो औपचारिक पत्रों में हमने देख लिया, अनौपचारिक पत्रों में देख लिया कि इसमें कौन कौन से सारे पॉइंट्स आपके आते हैं, कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। इसके बाद अब हमारे सिलेबस में जो है उन पर एक एक करके हम चर्चा शुरू करते हैं, और उस चर्चा को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का जो आपका वीडियो होगा उसमें आज तक पत्र से संबंधित जितने सवाल पूछे गए हैं उनका एक कलेक्शन होगा, और उस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। अब इसके बाद मैं शुरू करने जा रहा हूं आपसे कि आपके जो सिलेबस में है, तो एक एक पॉइंट शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा शासकीय पत्रों की, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा अर्धशासकीय पत्र क्या होते हैं, अगला हमारा फिर पॉइंट होगा कि वैयक्तिक पत्र क्या होते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि व्यावसायिक पत्र क्या होते हैं, उसके बाद अंतिम हमारा जो अगला टारगेट होगा वो ये होगा कि कार्यालय आदेश को हम समझें, उसके बाद फिर हम समझेंगे किसको, अधिसूचना को, कि अधिसूचना क्या होती है, और फिर उसके बाद सबसे अंतिम आपका पॉइंट आएगा, और वो पॉइंट होगा आपका क्या, वो पॉइंट होगा आपका
जो है सबसे अंत वाला, जो यूपी ट्रिपल एससी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, वो सबसे अंतिम आपका पॉइंट बन जाता है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, और उसमें आता है आपका सर्कुलर। ठीक है, इससे पहले मैंने सिलेबस के तौर पर आपको पूरा बताया है, तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले कि आपका शासकीय पत्र होता क्या है। शासकीय पत्र इंग्लिश में बोलते हैं इसको, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है, या इसको हिंदी में भी हम बोलते हैं जीओ। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जीओ, यानी आपका क्या, गवर्नमेंट ऑर्डर, शासकीय पत्र है। अगर तो इस पत्र को शासकीय पत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है जब आपका मुख्य रूप से शासनादेश जारी करना हो। ठीक है, कोई निर्णय केंद्र सरकार से राज्य सरकार को भेजा जाना हो, या केंद्र सरकार से कई राज्यों की सरकारों को भेजा जाना हो, अब राज्य सरकार से सबसे ऊपर से सबसे नीचे की ओर भेजा जाना हो, इसका हमेशा जो उपयोग होता है ये कनिष्ठ, आपका वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होता है। जो आपका सबसे बड़ा अधिकारी है, या बड़ा विभाग है, या बड़ी सरकार है, उससे नीचे की ओर आपका भेजा जाता है, वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर इसका जो है माध्यम चलता है, बड़े से छोटे की ओर इसका माध्यम चलता है। ऐसे पत्राचारों को शासकीय पत्र के अंतर्गत रखा जाता है। इनमें कौन कौन से मुख्य रूप से, एक तो मैंने बताया जैसे केंद्र सरकार, ये पत्राचार आपका कहां देखने को मिलता है, केंद्र सरकार आपकी जो है राज्य निर्णय देती है जो, तो ये सब आपके शासकीय पत्र के होते हैं। कोई है राज्य सरकार, नीचे ने जितने भी जिले के अधिकारी हैं, या कोई विभाग है उसमें कोई आपके आदेश को जारी है कुछ, ठीक है, तो वो सब जो पत्र लिखे जाएंगे ये शासनादेश के अंतर्गत। के बाद भी कौन कई इसकी विशेषताएं पाई जाती हैं शासनादेश की, जिनमें मुख्य रूप से इनकी बातें जो है समाहित होती हैं, तो मैं उन सारे पॉइंट्स को एक साथ लिख करके फिर आपको बता रहा हूं, एक एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं कि शासनादेश में क्या क्या खूबियां हैं आपके। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शासकीय पत्र जो लिखा जाता है इसका प्रयोग कहां कहां होता है और विशेषताएं इसकी क्या क्या है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे सीधा सीधा सवाल पूछे गए हैं, मैंने सवालों के आधार पर यह सारी चीजें आपके लिए तैयार की है कि जिससे बहुत कम समय में और बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को सीख सकें। मैंने एक साथ इन सारी चीजों को इसलिए लिख रखा है ताकि समय आपको कम लगे और आप इन सारी बातों को अच्छे से दिमाग में रख लें। एक एक पॉइंट समझिए मेरे साथ चलते हुए, उन पॉइंट्स की मैं थोड़ी सी व्याख्या करूंगा ताकि ये और इसकी भाषा और स्पष्ट हो सके। देखिए, सबसे पहले शासकीय जो आपके पत्र होते हैं इनका प्रयोग हम कहां पर कैसे करते हैं। इनका प्रयोग एक देश की सरकार द्वारा दूसरे देश की सरकार के लिए भी होता है। भारत सरकार है, दूसरे देश की सरकार को पत्र भेज रही, तो वो आपके शासकीय पत्र के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, शासकीय पत्र को आपके सरकारी पत्र भी कहा जाता है। दूसरा प्रयोग इसका हमें देखने को मिलता है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को भेजा जाता है, या किसी एक राज्य की सरकार को भेजा गया तो वो भी पत्र आपका किसके अंतर्गत आएगा, शासकीय पत्रों के अंतर्गत आता है। तीसरा प्रयोग हमें देखने को मिलता है कि एक राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार को भेज रही या कई राज्य सरकारों को भेजती है, वहां पर हमें देखने को मिलता है शासकीय पत्र का एक दूसरा आपका अपना उदाहरण। सरकार अपने ही राज्य में निर्देश दे सकती है, वो भी सारे आपके शासकीय पत्र ही कहलाते हैं। अगली चीज अगर हम देखें, एक सरकारी विभाग है और दूसरे सरकारी विभाग को अगर वो कोई पत्र भेज रहा है तो शासकीय पत्र के ही अंतर्गत आता है, यानी एक विभाग से दूसरे विभाग को पत्र जा रहा है तो वो शासकीय पत्र हुआ या सरकारी पत्र हुआ। अब मैं आपको एक पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है, आशय, यानी आशय ही अगर इसकी परिभाषा को अगर आप स्पष्ट करना चाहें कि शासकीय पत्र की सबसे परफेक्ट परिभाषा क्या बन सकती है, तो मैंने मेरे अनुरूप वो परिभाषा आपकी ये बनेगी कि शासकीय पत्र सरकारी प्रयोजनों हेतु लिखे जाने वाले होते हैं तथा इनमें वह समस्त पदाधिकारी को संबोधित करके लिखे जाते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी होती है। तो इसकी एक लाइन में अगर आप डिफिनेशन बोलना चाहे कि शासकीय पत्र किसको कहते हैं, तो सरकारी प्रयोजनों हेतु लिखे जाने वाले समस्त पदाधिकारियों को संबोधित कर लिखा जाने वाला पत्र शासकीय पत्र यानी गवर्नमेंट ऑर्डर या सरकारी पत्र कहा जाता है। तो इतनी चीजें इसके प्रयोग से थी, यानी कहां से कहां पर हमें दिखाई देता है,
प्रयोग से सवाल आपके आए हैं, यानी उसने सीधा सीधा पूछा है कि अगर इस विभाग से उसको लिखा जाए या इससे इसको पत्र लिखा जाता है तो किस पत्र की श्रेणी में वो आएगा। चार ऑप्शन उसने दे दिया है, सरकारी है, अर्ध सरकारी है, इस टाइप से क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी 2019 में पूछ चुका है, इसीलिए मैं इन सारी चीजों, दूसरी चीज विशेषताओं में देखें क्योंकि इससे सवाल पूछा था, इसलिए मैंने एक पॉइंट्स के रूप में इसको भी इंक्लूड कर दिया कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर होता है, सरकारी पत्र होता है या शासकीय पत्र होता है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इनमें देखें, सबसे पहला, सबसे स्पष्ट चीज आपके गवर्नमेंट ऑर्डर की या जीओ की ये होती है कि ये पूर्णतया औपचारिक होता है, ठीक है, इसमें व्यक्तिगत बातों का कोई उल्लेख नहीं होता है। सॉरी, यह पूर्णतया औपचारिक होता है, इसमें व्यक्तिगत बातों का कहीं भी कोई उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। अगली चीज, इसकी दूसरी जो सबसे बेस्ट विशेषता है, इसका एक निर्धारित प्रारूप होता है, यानी ड्राफ्ट जो होगा यानी निश्चित प्रारूप में लिखा जाएगा, भले ही प्रारूप समय समय पर बदलता रहे लेकिन फिर भी लगभग इसका प्रारूप हमेशा सुनिश्चित होता है, उसी लहजे में उसी ढंग में आपको पत्र लिखना पड़ता है, ठीक है, इसका प्रारूप अपना लगभग सुनिश्चित है, चाहे आपका बदलाव भी हो तब भी वो फिक्स रहता है, कुछ चीजें आपकी बदलने वाली नहीं है। अगली इसकी विशेषता है कि इसमें जो प्रयुक्त भाषा होती है, यानी अगर हम भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कौन सी भाषा हम लिखना चाह रहे हैं, तो इसमें या तो आप राजभाषा में लिखिए या फिर जो वैकल्पिक भाषा वहां पर उपलब्ध है, यानी राज्य सरकार में है तो वहां की राज्य सरकार में जो जो वैकल्पिक भाषा उपलब्ध है आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अगर आप जो है सरकार से कोई चीजें केंद्र सरकार से जो है वार्तालाप करना चाह रहे हैं, किसी विभाग को वो भेजती है तो वो भी किसी अन्य भाषा में जो उसने वैकल्पिक भाषा के तौर पर दे रखा है उसमें ये पत्र जो है देखने को मिलते हैं। अगला इसका जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि आदेश या सूचना को प्रस्तरवार लिखा जाता है। ये जो प्रस्तरवार शब्द लिखा है इसका अर्थ होता है आपका पैराग्राफ वाइज, आप देखते हैं कि इसमें जैसे जो आदेश है या सूचना तो लिखा रहता है 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे पैराग्राफ वाइज लिखा जाता है और एक बहुत संक्षिप्त शैली में लिखा होता है, यानी गागर में सागर, तो संक्षिप्तता भी एक इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, यानी अगर वो गवर्नमेंट ऑर्डर है जियो है तो जियो में आपको संक्षिप्तता देखने को ही मिलेगी, संक्षिप्तता इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, ठीक है, बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना ये गवर्नमेंट ऑर्डर की अपनी एक विशेषता होती है। और इससे संबंधित सवाल पूछा है, ये इंपॉर्टेंट भी है कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर होता है ये हमेशा किस शैली में लिखा जाता है, तो गवर्नमेंट ऑर्डर हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ठीक है, सर्वनाम जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, यह हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। राजभाषा, इसमें जो भाषा प्रयुक्त होती है यह राजभाषा या वैकल्पिक भाषा के तौर पर प्रयोग होता है, पूर्णतया औपचारिक होती है, प्रारूप निर्धारित है। तो ये चीजें हो गई इसके प्रयोग की और इसके विशेषताओं की। अगला पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, अर्धशासकीय पत्र आपके या अर्ध सरकारी पत्र क्या है, उनकी परिभाषा क्या है, उनके प्रयोग कहां देखने को मिलते हैं, उनकी विशेषताएं क्या है। तो चलिए इसके बाद हम शुरुआत करते हैं अर्ध सरकारी पत्र आपका। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं अर्ध शासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं, जिनको इंग्लिश में सेमी गवर्नमेंट ऑर्डर या सेमी ऑफिशियल ऑर्डर या फिर डेमी ऑफिशियल, तमाम तरीके के नामों में से संबोधित किया जाता है। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं, परिभाषा अगर स्पष्ट है तो आप कहीं पर भी पहचानने में कोई भी हिचकिचाहट आपको नहीं होगी। इसकी परिभाषा, इसको जो परिभाषित किया जाता यह है कि जब किसी एक कार्यालय से कोई अधिकारी दूसरे कार्यालय के किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से रहेगा, वो रूप व्यक्तिगत, लेकिन सरकारी कार्य के निमित्त ही उक्त अधिकारी का ध्यान संबंधित विशेष विषय पर आकर्षित कराता है, तो ऐसे पत्रों को हम अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं। इसमें कोई विशेष विषय होगा, उस विषय पर उस अधिकारी का ध्यान जो है, एक अधिकारी जो लिख रहा है दूसरे अधिकारी, दूसरे कार्यालय के अधिकारी का जो ध्यान वो आकर्षित करना चाह रहा है उस विषय पर, ऐसे अगर पत्र लिखे जा रहे, पत्राचार हो रहा, तो वो पत्र अर्ध शासकीय पत्रों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है, ठीक है। अगली चीज, इसमें विभाग वाली कोई बात नहीं होती है। विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यह हमेशा सदैव सरकारी प्रयोजन के लिए ही इस्तेमाल होंगे, यानी इसका उद्देश्य क्या होगा, सरकारी उद्देश्य होगा, ठीक है, सदैव सरकारी प्रयोजन से ही विनियोजित होते हैं, यानी आदान प्रदान होता है, प्रत्याचार होता है,
और इसमें मैत्री भाव स्पष्ट रूप से झलकता है। ठीक है, इसमें संबोधन के लिए हम क्या व्यक्तिगत कोई संबोधन इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रिय हुए या अन्य संबोधन का इस्तेमाल करते हैं, वहीं शासकीय उसमें मैंने बताया था वहां संबोधन के लिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, मैत्री भाव स्पष्ट रूप से झलकेगा भले ही सरकारी प्रयोजन हेतु है। तीसरी अगर इसकी मैं आपको विशेषता बताऊं तो वो सबसे खास ये है कि ये हमेशा उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष में लिखे जाते हैं, जबकि शासकीय पत्र हमेशा अन्य पुरुष की शैली में लिखे जाते हैं। उसकी विशेषता ये होती है, संबोधन में मैंने बताया कि प्रिय से होता है या कोई भी निकटता सूची शब्द है उससे हम इसका संबोधन प्रायः प्रारंभ करते हैं, अधिकतर वही किया जाता है। ये राजभाषा में लिखे जाने की कोई शर्त नहीं है, क्योंकि हम अपने मित्र को लिख रहे हैं, भले ही सरकारी प्रयोजन है हमारा, लेकिन कोई अधिकारी दूसरा अधिकारी जो हमारा मित्र है उसको लिख रहा है, तो इसमें राजभाषा में लिखे जाने की कोई विशेष शर्त नहीं है। जबकि जो आपका सरकारी पत्र था या शासकीय पत्र था उसमें राजभाषा या वैकल्पिक भाषा का प्रयोग ही अनिवार्य है। ठीक है, अगली विशेषता, इसमें हमेशा बराबर स्तर के अधिकारी को ही पत्र लिखा जाता है। बराबर स्तर का यानी जो व्यक्ति, जो वह अधिकारी जो दूसरे अधिकारी को लिख रहा है, दोनों का जो पद है वो बराबर के स्तर का है, तो उसमें जो पत्राचार होगा वो अर्धशासकीय पत्र के अंतर्गत आता है। पत्र का स्वरूप व्यक्तिगत होता है, ये चीज मैंने आपको बताई कि इसमें जो पत्र लिखे जाते हैं वो व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए ये अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। तो संबोधन विशेषताएं और परिभाषाओं से ही सवाल पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा अगर वो प्रारूप पूछने लगा, पदनाम कहां लिखते हैं, प्रेषक का नाम कहां लिखते हैं, ये सारी चीजें आपके आरओ का सिलेबस है पूरा, समीक्षा अधिकारी का पूरा सिलेबस है। यूपी ट्रिपल एससी जो ग्रेजुएट लेवल पर आपसे पूछ रही है उसमें सिर्फ इतनी चीजें निहितार्थ है। उसके बाद मैं आपको एक आध चीजें और बता देता हूं, जो अगला आपका पत्र का प्रकार है वो आपका है कि वैयक्तिक पत्र क्या होते हैं। वैयक्तिक पत्रों के बारे में अगर मैं बात करूं तो वैयक्तिक पत्रों को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। ये चीज मैंने शुरू में ही स्पष्ट कर दी थी, यानी अगला जो हमारा पत्र है जिसको हम वैयक्तिक पत्र कहते हैं, वैयक्तिक पत्र यानी व्यक्तिगत पत्र इसको कहते हैं, यानी आपकी कोई समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, उस समस्या को अगर आप किसी से जो है बता रहे हैं, या फिर जो है आपका कोई सगा संबंधी यानी ब्लड रिलेशन है या कोई सगे संबंधी है उनसे आप पत्राचार कर रहे हैं, प्रेमी है आपका, प्रेमिका है या मित्र है या सगे संबंधी, सास ससुर नाना नानी मामा मामी, ये तमाम ऐसे रिलेशंस है जिनके अंतर्गत आप पत्राचार कर रहे हैं, आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है, बड़े भाई, बड़े बड़ी बहन है, इन सबसे रिलेटेड जितने भी पत्र लिखे जाते हैं ये सब व्यक्तिगत पत्रों के उदाहरण होते हैं। ठीक है, इनमें संबोधन आप जानते हैं कि जब व्यक्तिगत है तो संबोधन में अगर पिता माता जी या किसी अन्य आप संबंधी को लिख रहे हैं तो वहां प्रणाम लिखेंगे, ठीक है, सादर चरण स्पष्ट, पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, इस तरीके के संबोधन इस्तेमाल करते हैं। तो इनको चूंकि हम कई रूपों में देख चुके हैं इसीलिए इस पत्र से संबोधन से सवाल अगर पूछा गया, विशेषता से सवाल पूछा गया, तो बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। अगला जो इसका एक पत्र आपका और है वो अंतिम पत्र आपका है व्यावसायिक, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि व्यावसायिक पत्र क्या होते हैं। ठीक है, व्यावसायिक पत्र ऐसे पत्राचार या ऐसे पत्र जिनका प्रयोग एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से अपने व्यवसाय से संबंधित विषय के लिए करता है, इन सारे पत्रों को व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। ठीक है, व्यावसायिक पत्र में ये भी आपके बहुत विशेष वाली शैली इसमें भी नहीं यूज होती है कि एकदम ऑफिशियल हो, लेकिन हालांकि इसमें जो है कुछ जो आपका लहजा होता है, शैली होती है, वो कहीं ना कहीं इनफॉर्म जो है आपके फॉर्मल की होती है, यानी जिनमें हम औपचारिकता स्पष्ट करते हैं, यानी हमारा बहुत ज्यादा मेल नहीं है उस व्यक्ति से, दूसरे व्यवसायी से, और तब भी हम लेटर लिखते हैं। तो इसमें जो औपचारिक पत्रों की विशेषता होती है उन पत्रों की विशेषता इसमें पाई जाती है। संबोधन के तौर पर हम औपचारिक संबोधन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं कि हमारा व्यक्तिगत संबोधन हो। ठीक है, अगली चीज अब मैं आपसे स्पष्ट करने जा रहा हूं, तो जितने प्रकार के आपके इसमें कोर्स में थे उनके उतने प्रकार के मैंने पत्रों को बता दिया। अब मैं आपसे बात करूंगा कि परिपत्र क्या है, अधिसूचना क्या है, और उसके बाद जो है कुछ एक पॉइंट आपका और बचता है, कार्यालय आदेश। तो तीन विषयों पर अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। अगला अब हम देखते हैं कि आपका अधिसूचना कार्यालय आदेश क्या होता है। ठीक है, चलिए अब कार्यालय आदेश की परिभाषा और उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं मैं दोनों लिखकर आपको समझा रहा हूं। तो अगला पॉइंट हमारा है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश क्या है इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं।
ऑफिस ऑर्डर इंग्लिश में बोला जाता है, नाम से ही इसके क्लियर है एकदम कि ऑफिस ऑर्डर यानी एक ऑफिस से कोई भी सरकारी विभाग है उससे दूसरे विभागों को या अन्य विभागों को कोई सूचना, कोई आपका कार्य जो सौंपा जाता है, ऐसे सारे पत्राचार को हम ऑफिस ऑर्डर के अंतर्गत लाते हैं। यानी कोई भी निर्णय है, राज्य सरकार कोई निर्णय दे रही है दूसरे विभाग जो है उसके अंडर में आने वाले विभागों को, तो वो सब क्या होते हैं, यानी एक ऑफिस से निकला हुआ कोई भी आदेश है, कोई भी निर्णय है, कोई भी कार्यवाही है, वो सब आपके ऑफिस कार्यालय आदेश के अंतर्गत आते हैं। अब कार्यालय आदेश किस स्तर पर है, कैसे कैसे उसकी सूचना देनी है, इन्हीं को क्या किया जाता है, दो आपके एक तरीके से मैं इसको बताऊं तो इसके अंतर्गत दो पार्ट हो सकते हैं, कौन कौन से, हालांकि ये दोनों अलग माने जाते हैं। एक जो अगला आपका टॉपिक है अधिसूचना, और दूसरा जो आपका पॉइंट है वो है आपका अधिसूचना के बाद। अधिसूचना में अगर मैं आपसे स्पष्ट करूं तो अधिसूचना हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा आपके व्यक्तिगत जो है मुद्दों पर दी जाती है, किसी जो है सामान्य सूचना को हर व्यक्तियों तक पहुंचाना है तो वह पर अधिसूचना का इस्तेमाल होता है, ठीक है। राष्ट्रपति या राज्यपाल या प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति इसका इस्तेमाल करते हैं, उसको अधिसूचना इंग्लिश में बोलते हैं नोटिफिकेशन। अगली चीज है इसमें परिपत्र, सर्कुलर क्या होते हैं, जब एक ही सूचना एक कार्यालय आदेश ही है, अब राष्ट्रपति के कार्यालय से आदेश आएगा, प्रधानमंत्री के कार्यालय से आदेश आता है, तो ये सब क्या कार्यालय आदेश के ही अंतर्गत होते हैं, ठीक है। राज्यपाल के कार्यालय से आदेश आएगा, ठीक है, पीएमओ प्रधानमंत्री का जो आपका कार्यालय है पीएमओ के नाम से जाना जाता है। परिपत्र अगला आपका पॉइंट होता है जिसको आप बोलते हैं सर्कुलर, ऑफिस से कोई ऑर्डर निकला जिसमें कोई सूचना है, कोई निर्णय है, कोई कार्य है, और किसी विभाग को या किसी कार्यालय को या एक साथ ही सारे व्यक्तियों को देना है तो उसके लिए सर्कुलर निकाला जाता है, ठीक है। सर्कुलर ये चूंकि जहां से शुरू होता है और पूरे विभाग में घूमते घूमते वापस फिर से वहीं पहुंच जाता है, ठीक है, ये सर्कुलर पत्र की आपकी सर्कुलर की या परिपत्र की विशेषता होती है, ठीक है, ये घूमते हुए चलता। अधिसूचना राष्ट्रपति या राज्यपाल या प्रधानमंत्री के कार्यालय से जारी की जाती है, इसमें आम जनमानस को किसी भी सूचना के बारे में जानकारी देना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। वहीं परिपत्र में देखें तो किसी विभाग के सारे कर्मचारियों को कोई जानकारी देनी है या किसी कार्यालय के सारे कर्मचारियों को जानकारी देनी है तो उसमें परिपत्र का सर्कुलर का इस्तेमाल होता है। इनसे संबंधित इतने ही आपके जो पॉइंट्स हैं उन सारे विषयों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। लेक्चर अगर पसंद आपको आता है तो जरूर कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, और ये जो लेक्चर है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अन्य जो मित्र हैं उनको भी हमारे इस चैनल के बारे में बताएं ताकि आपके लोअर की परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से हो सके। धन्यवाद।